सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है और आपने देख भी लिया होगा। अब स्टूडेंट्स को इंतजार है काउंसलिंग का। ऐसे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। सो अगर आपने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि किस कॉलेज में कितनी सीट है और उसमें कितनी फीस है फर्स्ट ईयर की। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कोर्स की कितनी फीस है फर्स्ट ईयर की, एडमिशन की फीस कितनी है, इसके अलावा ट्यूशन फीस कितनी है और हॉस्टल चार्जेस क्या है, एंड उस कॉलेज की क्या रेपुटेशन है, किस तरीके का कॉलेज है, ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना जरूरी है एडमिशन से पहले। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑफिशियल वेबसाइट है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की। जब आप बीएससी नर्सिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, सीट मैट्रिक्स एंड फीस स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट ईयर फॉर सेशन 2021-2022। उसके सामने एक आपको रेड कलर से एक लिंक दिखेगा व्यू डिटेल्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा और उस फाइल में कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स है और फीस स्ट्रक्चर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो फाइल डाउनलोड हुई है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन होगी। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए, फिर चाहे बोर्ड्स हो, जेई हो या फिर नीट हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप की हेल्प से आप किसी भी वक्त अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं इन दीज थ्री इजी स्टेप्स में। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से फिलो ऐप, एंड उसके बाद आपको मोबाइल नंबर से साइनअप करना है, एंड उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन का फोटो खींचना है या फिर आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं, एंड उसके बाद आपको फिलो ऐप विद इन 60 सेकेंड आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा एंड आपको आपके डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। फिलो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है RIC001, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस कोड को यूज़ करें। और इस ऐप का जो डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डाउनलोड फिलो ऐप नाउ। स्टूडेंट्स जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से फाइल ओपन हो जाएगी, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉलेज मैट्रिक्स बीएससी नर्सिंग प्रोटेक्टेड व्यू एक्सेल। ठीक है, तो ये जो फाइल है ये स्पेशली ओपन होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो फाइल है इसमें कॉलेज का नेम दिया गया है, कॉलेज का कोड दिया गया है और कोर्स का नाम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सेशन ईयर और नंबर ऑफ सीट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और एडमिशन की फ़ी, ट्यूशन फ़ी और जितनी भी फीस है यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो कॉलेज का नेम, तो कॉलेज का नेम यहां पर हम देखते हैं सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज। कॉलेज का कोड ये है और इसमें टोटल सीट हैं 60, यानी कि 60 सीट हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे हॉस्टल फॉर बॉयज़ और यहाँ पर देख पा रहे हो गर्ल्स के लिए हॉस्टल। ठीक है, कितनी क्या उसमें सीट है यहाँ पर बताया गया है और रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दी गई है कि किस कॉलेज में रिजर्वेशन अप्लीकेबल है और किस में नहीं है। ठीक है, तो कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें रिजर्वेशन अप्लीकेबल है और कुछ में नहीं है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन की फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे एडमिशन फ़ी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस वाले कॉलेज की, सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें एडमिशन की फ़ीस है 25,000 रुपये। ठीक है, और ये है ट्यूशन फीस 72,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जो फीस है यहाँ पर देख पा रहे होंगे मिस का फ़ी और सिक्योरिटी मनी है, यानी कि सिक्योरिटी फ़ी 25,000 रुपये। और हॉस्टल आप देख पा रहे होंगे एसी वाला हॉस्टल और बिना एसी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 120। तो इस लिस्ट में 120 कॉलेजेस के नाम हैं, उनकी नंबर ऑफ सीट्स बताई गई हैं, फीस बताई गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो अधिकतर कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हैं, यानी कि प्राइवेट ऑनरशिप वाले कॉलेजेस हैं। इसमें से हो सकता है कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट हों, बट अधिकतर हमने देखा है, अभी हमने कॉलेज का नाम और सर्च करके देखा है कि कौन सा कॉलेज किस टाइप का है, मतलब गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। तो अधिकतर कॉलेजेस इसमें प्राइवेट हैं, आप देख लीजिएगा। आप इनमें से जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले आप उस कॉलेज के बारे में जानकारी लीजिए कि किस टाइप का कॉलेज है, कैसी क्या रेपुटेशन है और कैसा क्या फीस है। फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, बट रेपुटेशन के बारे में आप जानकारी ले लीजिएगा और आपके हिसाब से जो कॉलेज सही हो आप उसमें एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कॉलेज की लिस्ट है यहाँ पर, ट्यूशन फीस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अधिकतर जो फीस है कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर की वो 72,000 रुपये, कुछ कॉलेजेस में
आपको 50,000 या फिर 54,000 देखने को मिल जाए, बट अधिकतर है 72,000 रुपये, ठीक है। और कुछ कॉलेजेस में तो इससे भी ज़्यादा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये फीस है 90,000 रुपये। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो फीस है फर्स्ट ईयर की फीस है। सबसे पहले हमने आपको वहाँ पर वेबसाइट पर दिखाया था कि ये जो फीस है, वहाँ पर लिखा था कि फॉर फर्स्ट ईयर सेशन 2021-2022, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए फीस है, उसके बाद सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की फीस अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो हमने बताया था वहाँ से आप क्लिक करेंगे, फाइल डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप इसको ओपन करेंगे, तब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और ये जो फाइल है स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर जिस कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उस कॉलेज का यहाँ पर नाम देखिए, उसके सामने उसका फीस लिखा है, नंबर ऑफ सीट्स हैं, आप देख लीजिएगा। अगर मैं हर एक कॉलेज के बारे में यहाँ पर बताऊँ तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने हिसाब से देख लें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सीट्स और उस कॉलेज की रेपुटेशन, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब आप काउंसलिंग के टाइम उस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इससे संबंधित कोई अपडेट आता है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट आता है, तो उसका अपडेट यानी कि उसका वीडियो आपको देखने को मिल जाए, उसकी जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है। काउंसलिंग अब स्टार्ट होगी तो आपको बता देते हैं, काउंसलिंग जो है ये 2 से 4 दिन में या फिर 5 दिन में स्टार्ट हो सकती है, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। और वेबसाइट पर आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर दिखा रहा है टू बी अनाउंस्ड, ठीक है, अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन बहुत ही जल्द अनाउंस हो सकता है, ठीक है। तो काउंसलिंग जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट हो सकती है, इसलिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसको विजिट करते रहेगा, उसके रिगार्डिंग वहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, चैनल पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे।